खड़गपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में बुधवार को मैरी क्रिसमस समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रेव रोशन लाल की उपस्थिति रही। मैरी क्रिसमस समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर आर एन सैमुअल की प्रार्थना से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रेव रोशन लाल ने कहा कि स्टार की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह से होती है। प्रभु यीशु मसीह ही सबसे बड़े स्टार थे। हम सबको अपने जीवन में मनुष्यता एवं मानवता के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम सभी स्टार बन जाएं। हमरोता कई देत उद्धार ये यीशु राजा। प्रभु यीशु का जन्म इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इसी घटना ने इतिहास को दो भागों में बांट दिया। ईसा पूर्व एवं ईसा के बाद हमारी तारीखें प्रभु यीशु के जन्म को प्रमाणित करती हैं। इस दौरान मैरी क्रिसमस में छात्रों द्वारा 11 सामूहिक गीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित 8 दृश्यों का एक नाटक प्रस्तुत किया गया जिसका शीर्षक था प्रेम का संदेश। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर सर आर एन सैमुअल ने कहा, सेंट एंड्रयूज कॉलेज में हर साल बच्चों के साथ एक क्रिसमस ट्री का आयोजन करते हैं और जिसमें हम लोग बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को बताते हैं और जो उन्होंने पृथ्वी पर अपना बलिदान दिया उसके बारे में बताते हैं और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं। वास्तव में क्रिसमस का त्यौहार जो है वो एक बलिदान या एक देने का वो है, जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेज दिया और एक ये बहुत बड़ा जो था गिफ्ट था संसार के लिए, बहुत बड़ा एक उसका इनाम था। उसी तरह से क्रिसमस का त्यौहार जो है वो देने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है और उसके ऊपर ज़्यादा वो डालता है। हम लोग आपस में एक दूसरे के को गिफ्ट देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और ये होता कोई भी आज के दिन या मानव जाति में कोई भी जो है वो दुखी ना हो, किसी के पास घटी ना हो, आपस में एक दूसरे को जिसके यहाँ कमी है घटी है या नहीं भी है तो गिफ्ट दे करके कुछ दे करके जो है हम अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से अपना प्रेम जो है संसार के ऊपर व्यक्त किया। और इस साल का हमारा सेलिब्रेशन इसलिए विशेष है क्योंकि हम लोगों ने 125वें साल में प्रवेश किया है। सेंट एंड्रयूज कॉलेज जो है अब 125 साल पुराना कॉलेज है। 1899 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका और इस साल हम 125वां साल उसका मना रहे हैं, तो इसलिए कुछ और ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।